हेलो एवरीवन यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपका डब्ल्यू सी एस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और आपका इम्प्लॉबिलिटी स्किल दोनों का हिंदी में पीडीएफ ठीक है जैसा कि आप लोग सभी जानते थे कि भारत स्किल के और वेबसाइट के ऊपर जो आपको पी मिलता है सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए डब्ल्यू और ई दोनों का पी आपका निम्नी क्वेश्चन बैंक का पी वो इंग्लिश मीडियम में मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है इस वजह से बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था पढ़ने में और वो बार बार बोल रहे थे कि सर हिंदी में पीडीएफ दीजिए हिंदी में पीडीएफ दीजिए तो में ट्रांसलेट तो कैसे डाउनलोड करना है तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने में वो सारा प्रॉब्लम उनका दूर हो सके और वो भी एग्ज़ाम में पास कर सके ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैं आपको सबसे पहले पी दिखा देता हूँ तो पी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैं आपको पी ओपन करके दिखाता हूँ ये जो आपका इम्प्लॉबिलिटी स्किल का पी है ठीक है इम्प्लॉबिलिटी स्किल का सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा था निम्मी क्वेश्चन बैंक में था वैसे ही आपका यहाँ पे है ठीक है और सारे के सारे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं क्योंकि तो सारा जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा था वो सारा आप दूर हो गया है और सारे के सारे क्वेश्चन वो सारे हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा और इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी का डायरेक्ट लिंक दूंगा यहाँ से आपको क्लिक करके जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाइएगा ठीक है तो ये तो हो गया आपका इंप्लॉयबिलिटी स्किल का पी अब बात करेंगे यहाँ पर डब्ल्यू का हिंदी पी के बारे में ठीक है तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है और ये देख सकते हैं आपका हिंदी पीडीएफ है जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो कि मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था ठीक है घर्षण चैप्टर जो कि इंग्लिश में मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें भी बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी में पढ़ाइए इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो इस वजह से देखिए आपका जो हिंदी पी है वो मैं लेके आ चुका हूँ ठीक है और अब जो मैं क्लास आप कर लूँगा वो सारा हिंदी में होगा आप इस पी को डाउनलोड कर लीजिएगा इसका जो लिंक है वो जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा या फिर कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगा जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पी को डाउनलोड कर पाइएगा ठीक है तो आप लोगों के लिए मैं देखिए यहाँ पे बार बार जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो लेके आते रहता हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ हमको ज़रूर सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ग्रुप में शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक है और इसका जो सॉल्यूशन है जल्द मैं वो भी वो भी आपको कराऊंगा एक ही क्लास में मैं सारा वीडियो आपको कवर करा दूंगा ठीक है जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैंने कराया था 245 क्वेश्चन एक ही वीडियो में उसी तरह से सेकेंड ईयर का भी मैं एक ही क्लास में सारा वीडियो करा दूंगा यदि आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए सर इसका एक ही क्लास में सारा सॉल्व करा दीजिए तो मैं जरूर कराऊंगा ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो पी जो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा मैं उसको सॉल्व करूंगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो ये जो आपका सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए था डब्ल्यू सी एस और ई एस का फर्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है लेकिन सेकेंड ईयर का इंग्लिश में ही था हिंदी में नहीं था ठीक है तो इस वजह से यहाँ पे हिंदी में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गया हूँ ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में